आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट आउट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम लोग जानते हैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा था और उसका सीबीटी वन का एग्ज़ाम चल रहा था जो केवल 6 फेज तक ही हुआ था। तो आरआरबी ने कल ही यानी 1 जुलाई 2021 को ही अपना ऑफिशियल साइट में नोटिस जारी कर 7 फेज के एग्ज़ाम डेट को दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी नोटिफिकेशन को एनालिसिस करेंगे जिसमें लगभग 3 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ था उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो चलिए इस वीडियो में इस नोटिस को एनालिसिस करते हैं। तो नोटिस कुछ इस प्रकार से है, ये ऑफिशियल साइट में अवेलेबल है। एक बात यहाँ पे बता देती हूँ, कुछ दिन पहले ही इसी प्रकार का एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें बाद में जांच किया गया, रिसर्च किए गए कि वो फेक न्यूज़ था। पर आज का जो ये नोटिस है ये बहुत ही ऑथेंटिक है। ये ऑफिशियल साइट में भी अवेलेबल है, आप यहाँ से वहाँ से भी जाकर आराम से देख सकते हैं। और जो फेक न्यूज़ था वो तो बहुत ज़्यादा ही वायरल हो गया था, आपको मेरे चैनल में भी देखने को मिला होगा, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। तो चलिए इस आज के इस वीडियो में इसको देख लेते हैं। इसमें टोटल 8 पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम लोग हाफ हाफ करके अच्छे से एनालिसिस करेंगे। नोटिस में सबसे पहले मेंशन किया गया है कि ये 7 फेज का एग्ज़ाम है और ये लास्ट फेज का एग्ज़ाम है, मतलब सीबीटी वन जितने भी फेज में होने वाला था 7 फेज लास्ट फेज एग्ज़ाम है, इसके बाद सीबीटी एग्ज़ाम वन नहीं होगा। ओके, तो चलिए नंबर 1 पॉइंट पे कहा गया है कि सीबीटी एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, इसमें है 23 जुलाई को है, 24 जुलाई को है, 26 जुलाई को और 31 जुलाई, यानी टोटल 4 डेट इसमें दिए हुए हैं जिसमें ये एग्ज़ाम होने वाले हैं और लगभग 2.78 लाख स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, नंबर पॉइंट को देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट है, वे अपने एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट को आराम से उसकी जो भी फॉलोइंग साइट है उसमें देख सकते हैं। ओके, और उनको और जो एससी एसटी है जिनको ट्रैवलिंग पास दिया जाता है, फ्री ट्रैवलिंग पास, वो एग्ज़ाम डेट के 10 डेज पहले ऑफिशियल साइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 10 डेज पहले वो ऑफिशियल साइट में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पे देखते हैं, जो भी ई कॉल लेटर है, मतलब जो भी एडमिट कार्ड है, वो 4 दिन पहले आप मतलब वहाँ से ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन आपको फ़ोन पर आराम से आ जाएगी। ओके, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब नंबर 3rd 4th में देखते हैं, नंबर 4th में क्या है, जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 7th पॉइंट है, इसमें दिया गया है एक मतलब जो इसके ऑफिशियल साइट में एक सेक्शन होता है जिसको हेल्प डेस्क कहते हैं। स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार के इशू है, किसी प्रकार की भी क्वेरीज है, तो वहाँ से जाके आप आराम से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, बार बार यहाँ मेंशन किया गया है, प्लीज़ विजिट द टेक एडवाइस फ्रॉम द ऑफिशियली वेबसाइट ऑफ आरआरबी। इसी किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन साझेदारी में मतलब झूठ फरेब में आप ना आए, डायरेक्ट जाके ऑफिशियल उसका जो साइट है उसको जाके विजिट करें, वहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 7 में क्या किया गया है, स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली कोविड-19 से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने के बारे में कहा गया है। ठीक है, जैसे कि फेस मास्क पहन के जाना है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर जो भी दिए हुए हैं उसको बिना फेस मास्क के आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, ये सारी बात कहा गया है। ठीक है, और नंबर 8 में है जो ये तो सभी एग्ज़ाम पे लागू होता है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी प्रकार के इस टाइप का जो अननेसेसरी इक्विपमेंट होता है उसको लेके ना जाए, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके ना जाए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मतलब इतना ही कुछ कहा गया है। तो और जो भी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आप अपने बहुत सारे फ्रेंड लोग आपके एग्ज़ाम दे चुके होंगे, आप उनसे पूछ के अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए। तो ये तो रहा ऑफिशियली नोटिस जो 1 जुलाई 2021 को जारी हुआ है। और जितने भी स्टूडेंट का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए बेस्ट प्लक, जितने भी दिन बचे हुए हैं अच्छे से तैयारी कीजिए और बस जो भी दिन बचा हुआ है अपने एग्ज़ाम को फोकस कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट प्लक, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।